हमारे घर के आसपास कई सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं। वहीं कुछ पौधों को अशुभ माना जाता है तो कुछ पेड़ पौधों को शुभ माना जाता है। तो आज हम आपको ऐसे ही पेड़ पौधों के बारे में जानकारी देंगे जिनको घर में लगाना शुभ होता है और घर से नकारात्मक शक्तियों को दूर रखते हैं। तुलसी का पौधा। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को तो एक तरह से लक्ष्मी का रूप माना गया है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी की पूजा अर्चना होती है उस घर पर भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। तुलसी का पौधा हमारे घर को नकारात्मक चीजों से दूर रखता है और हमारे आसपास के वातावरण को भी शुद्ध रखता है। शमी का पौधा। शमी का पौधा घर में होना भी बहुत शुभ माना जाता है। शमी के पौधे के बारे में तमाम भ्रांतियां मौजूद हैं और लोग आमतौर पर इसे लगाने से डरते बचते हैं। ज्योतिष में इसका संबंध शनिदेव से माना जाता है और शनि की कृपा पाने के लिए इस पौधे की लगातार पूजा उपासना की जाती है। गुड़हल का पौधा। गुड़हल का पौधा ज्योतिष में सूर्य और मंगल से संबंध रखता है। गुड़हल का पौधा घर में भी कहीं भी लगा सकते हैं, परंतु ध्यान रखें कि उसको पर्याप्त धूप मिलना जरूरी है। गुड़हल का फूल जल में डालकर सूर्य को अर्घ देना आंखों और हड्डियों की समस्याओं को दूर करता है और नाम और यश प्राप्ति में लाभकारी होता है। केले का पौधा। केले का पौधा हमें कई तरह से लाभ पहुंचाता है। केले का पौधा धार्मिक कारणों से भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। गुरुवार को इसकी पूजा भी होती है और अक्सर पूजा पाठ के समय केले के पत्ते का ही इस्तेमाल किया जाता है। बांस का पौधा। बांस का पौधा घर में लगाना अच्छा माना जाता है। यह समृद्धि और आपकी सफलता को ऊपर ले जाने की क्षमता रखता है। अगर आपकी तमाम कोशिशों के बाद भी आपको अपने कार्य क्षेत्र में मनचाही सफलता नहीं मिल रही तो आपको अपने भवन कार्यालय में बांस का पौधा लगाना चाहिए। फेंग शुई में बांस के पौधे को बहुत महत्व दिया गया है। बांस संसार का अकेला ऐसा पौधा है जो हर वातावरण में हर मुश्किल के बाद भी तेजी से बढ़ता है, इसीलिए इसे उन्नति, दीर्घायु और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मनी प्लांट। ऐसी मान्यता है कि घर में मनी प्लांट लगाने से सुख समृद्धि का वास होता है, इसी के चलते लोग अपने घरों में यह पौधा जरूर लगाते हैं। मनी प्लांट का पौधा घर में कहीं भी आसानी से लग जाता है और इसका बहुत रखरखाव भी नहीं करना पड़ता है। बेलपत्र का पौधा। बेल के पौधे को तो आप सभी जानते होंगे क्योंकि सावन के महीने में सभी लोग भगवान शंकर जी की पूजा बेलपत्र से ही करते हैं। अगर यह पौधा आपके घर में या आसपास कहीं भी लगा है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। बरगद का पेड़। बरगद को पेड़ों का राजा कहा जाता है। बरगद को शुभ तो माना ही गया है और इसकी मई के महीने में भारतीय नारियां बरसैता पूजा भी करती हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें जिससे आने वाली नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पेड़ पौधे लगाते रहिए। जय हिंद। धन्यवाद।